राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे, जहां पर श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान जाते समय राजेंद्र यादव जंक्शन के एक निजी कॉलेज में रुके, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान शादुल शहर विधायक जगदीश जांगिड़ भी उनके साथ मौजूद रहे और कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत में राजेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेपर लीक मामले पर बोलते हुए राजेंद्र यादव ने कहा कि पेपर लीक तो देश के कई राज्यों में ही हो रहे हैं, मगर राजस्थान को ही टारगेट कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान सरकार ने तो बाकायदा पेपर लीक मामलों में कानून भी बनाया है, जबकि देश के किसी भी राज्य ने ऐसा कानून नहीं बनाया है। इस मौके पर सचिन पायलट को लेकर पूछे गए सवाल को टालते हुए यादव ने कहा कि ये सवाल सचिन पायलट से ही पूछें। कॉलेजेस के अंदर भी हमारे नामांकन बहुत बड़ा है, जो बहुत अच्छे उसमें बड़े लेवल पे बढ़ा है। और इसमें खास बात ये हुई है कि बच्चियों की हायर एजुकेशन में कॉलेजेस में संख्या 61% हो गई है टोटल का, और अभी जुलाई में जब नए सेशन शुरू होते हैं तो और इसके अंदर बढ़ने की उम्मीद है। ये सब चीजें जो है, जब चुनाव आता है तो उस समय ईडी वगैरह सब सक्रिय हर उस स्टेट में हो जाती है जहां पर जो है चुनाव आता है।